स्वागत है आपका हमारे चैनल में डी आर स्टडी पॉइंट। अब क्या करना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं अवेलेबल होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे से क्वेश्चन में पीडीएफ क्या करेंगे लोड कर लीजिएगा। और जहां तक बात है ऐसे क्वेश्चन का, तो इसमें आपका टोटल मेंस लेवल का हम लोग डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए कि जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है या आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एकदम दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग का मेहनत रंग लाए, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा है, सेट थ्री का ये क्वेश्चंस है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस में लिखा है डायरेक्शन में आपका कि सिक्स सुपर हीरो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, थॉर एंड हल, ठीक है। ये आपका सिक्स सुपर हीरो है। वे आर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर एंड ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट कलर ऑफ कॉस्ट्यूम, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये आपका पजल है और इस पजल में आपका क्या किया है, रैंकिंग एडजस्ट कर दिया है। रैंकिंग कहने का मतलब है कि आपका स्पाइडरमैन ऊपर नीचे, हल्क ऊपर नीचे, स्पाइडरमैन या फिर सुपरमैन, जो भी आपका एडजस्ट होते रहेगा। इसमें आपका एक सर्टेन जो होता है वो ऑर्डर में वो कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, हम लोग रैंकिंग के हिसाब से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग रैंकिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। टोटल देखेंगे क्या यहाँ पे कितने लोग हैं, तो जितने लोग हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे उसका रैंकिंग लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या है आपका, ये की जगह पे आपका स्पाइडरमैन, बैटमैन है ना, और आपका आयरन मैन, हल्क, थॉर कुछ भी आ सकता है। उसके बाद क्या किया है, ये आपका एक तो आपका नेम ऑफ सुपर हीरो हो गया, दूसरा आपका क्या है कि ये दिया गया कि वो अलग अलग डिफरेंट ईयर में आपका वो जन्म लेते हैं, बॉर्न है, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, उनके कॉस्ट्यूम का कलर है, कलर भी दिया गया। अब कलर तो इसमें पता नहीं, हमको आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जो मेरा श्योर इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और जो नहीं से रिलेटेड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे नीचे एक स्टार बनाकर लिखते चले जाएंगे। चलिए लिखा है बैटमैन इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल बॉर्न इन 1998, है ना। मतलब आपका बैटमैन जो है वो सबसे छोटा है और आपका 1998 में जन्म लिया है, ठीक है। तो सबसे छोटा कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला पहले होगा, सेकंड वाला उसके बाद, थर्ड वाला उसके बाद, फोर्थ वाला उसके बाद, फिफ्थ वाला उसके बाद, और ये सिक्स वाला जो है सबसे बाद होगा। तो ये होगा कौन आपका, तो ये आपका बैटमैन होगा। और ये जन्म कब लिया है, 1998 में जन्म लिया है, ठीक है। इसके कॉस्ट्यूम का भी कुछ ना कुछ कलर होने वाला है, अभी तक हमको पता नहीं है। चलिए फिर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि सुपर हीरो सॉरी स्पाइडरमैन इज बॉर्न इन 1960 एंड हैज ग्रीन कॉस्ट्यूम। मतलब आपका ये सुपरमैन जो है 1960 में जन्म लिया और उसके जो कॉस्ट्यूम का कलर है वो क्या है आपका, ग्रीन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमको पता नहीं, ये 5 पे भी हो सकता है, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी और आपका 1 पे भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ एक स्टार बनाकर लिख लेंगे सुपरमैन के बारे में। ये सुपरमैन जो है ये आपका 1960 में जन्म लिया है और इसके कॉस्ट्यूम का कलर क्या है आपका, ग्रीन। लेकिन इन्फॉर्मेशन हमको एक श्योर शॉट इन्फॉर्मेशन मिला सुपरमैन के बारे में, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि हल्क इज बॉर्न 7 ईयर आफ्टर स्पाइडरमैन। मतलब हल्क जो है वो आपका स्पाइडरमैन से 7 साल का छोटा है और 7 साल बाद क्या है, जन्म लेता है स्पाइडरमैन के जन्म लेने के बाद, ठीक है। और उसके बाद लिखा है वन ऑफ देम बीन बॉर्न 1929। मतलब आपका उन दोनों में से कोई एक जो है 1929 में जन्म लिया है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ये जो हल्क है वो स्पाइडरमैन से छोटा होगा। स्पाइडरमैन से छोटा कौन होगा, हल्क, और स्पाइडरमैन से छोटा होगा कितने साल का, ये 7 साल का छोटा है स्पाइडरमैन से, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या लिखा है कि थॉर इज एल्डर देन ओनली 2 पर्सन, है ना, और वन ऑफ होम हैज रेड कॉस्ट्यूम। मतलब लिखा है क्या कि थॉर जो है वो आपका केवल 2 लोग से बड़ा है, केवल लगाया, ओनली लगाया है। मतलब लास्ट से हम लोग काउंट करेंगे, लास्ट वाले से 1, 2, तो यहाँ 4 वाले पे क्या हो जाएगा, थॉर, क्योंकि केवल 2 लोगों से ही बड़ा है, बाकी सबसे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थॉर यहाँ पे हो गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है यहाँ पे कि नो वन इज बॉर्न बिटवीन द वन हु विथ ग्रीन एंड ब्राउन कॉस्ट्यूम गिवन दैट वन इज
one with brown is younger, मतलब आपका green और brown जो है उसके बीच में कोई भी color adjust नहीं होगा और brown जो है आपका वो green से क्या है छोटा हो जाएगा, मतलब confirm यहाँ पे हमको एक बार green मिल चुका है जो 1960 में जन्म ले रहा है, जो आपका कौन सा है superman है आपका, है ना, और green वाले से छोटा क्या होगा आपका brown होने वाला है, confirm उसके adjacent बैठेगा, मतलब एकदम नजदीक में बैठेगा, immediate below बैठेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद लिखा है क्या कि आयरन वन हु हैज येलो कॉस्ट्यूम इज इल्डेस्ट लिखा है, मतलब जिसका आपका येलो कॉस्ट्यूम है वो सबसे क्या है इल्डेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे बड़ा है उसका कॉस्ट्यूम का कलर क्या है आपका येलो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, आयरन मैन इज 19 years younger than Thor, मतलब आयरन मैन जो है वो आपका 19 साल छोटा है थॉर से, 19 साल छोटा थॉर से। भैया एक बात बताइए, ये चार नंबर पे आपका थॉर बैठा है, छह नंबर पे आपका बैटमैन बैठा है, बीच में एक ही जगह खाली है, तो ये होगा कौन, तो आयरन मैन होगा, क्योंकि आयरन मैन जो है ये आपका थॉर से छोटा है, तो छोटा है तो मतलब बैटमैन से बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में मेरा एक ही सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद हु इज यंगर देन हल्क, मतलब आपका थॉर जो है वो हल्क से हल्का है, तो थॉर जो है वो आपका हल्क से हल्का है, तो यहाँ मेरा तीन जगह खाली है और मेरा स्पाइडरमैन और हल्क है, हल्क से छोटा आपका थॉर हो जाएगा, तो यहाँ स्पाइडरमैन या फिर यहाँ हल्क होगा, तो यहाँ भी थॉर छोटा हो रहा है, दो नंबर पे स्पाइडरमैन, तीन नंबर पे हल्क होगा, फिर भी चार नंबर वाला थॉर जो छोटा हो रहा है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक बार और नीचे पढ़ते हैं कि हल्क इज एल्डर देन सुपरमैन, मतलब हल्क जो है वो आपका सुपरमैन से क्या है बड़ा है, ये हल्क जो है वो आपका सुपरमैन से बड़ा है, मतलब सुपरमैन हल्क से छोटा है, इतना तो कंफर्म हो गया, और ऑलरेडी थॉर का जो प्लेस है वो फिक्स है कि चार नंबर पे ही बैठेगा, क्योंकि बोला गया है आपका कि थॉर जो है केवल दो लोगों से बड़ा है आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास तीन एडजस्ट हो गया और मेरे पास यहाँ तीन जगह भी खाली है, स्पाइडरमैन हल्क से बड़ा है, हल्क आपका सुपरमैन से बड़ा, तो हम लोग ये एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे, क्या लिखा स्पाइडरमैन, ठीक है, फिर आपका हल्क हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सुपरमैन हो जाएगा, तो ये तीनों आपका क्या हो गया एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका नाम जो है वो आपका सुपर हीरो का नाम जो है वो आपका क्या है कि रैंकिंग के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब हमको एडजस्ट क्या करना है, एडजस्ट हमको करना है एक कलर और एक आपका इयर्स एडजस्ट करना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस में क्या लिखा है यहाँ पे कि वन विथ ब्लैक कॉस्ट्यूम इज नॉट बॉर्न बिफोर 1995, मतलब जो आपका 1995 में जो आपका ब्लैक कॉस्ट्यूम है वो आपका 1995 से जन्म पहले नहीं लिया है, जो आपका ब्लैक वाला है 1995 से पहले जन्म में नहीं लिया है, मतलब 1995 के बाद जन्म लेगा, ये भी कंफर्म कर दिया। चलिए उसके बाद लिखा है क्या वन With blue costume is older than with black as well as that with green, मतलब आपका जो ब्लू वाला कॉस्ट्यूम में है जो आपका ब्लू वाला कॉस्ट्यूम में है जो आपका ब्लू वाला कॉस्ट्यूम है वो ग्रीन से क्या है बड़ा है और ये ब्लैक से बड़ा है और ग्रीन से भी बड़ा है, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे क्या कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन स्योर था सुपरमैन 1960 ग्रीन और नीचे उसके ठीक ब्राउन, सुपरमैन यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ 1960 तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके ठीक सामने क्या लिख सकते हैं ग्रीन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन लिख सकते हैं, और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा, ठीक, ये आपका ब्राउन फिक्स हो गया। अब क्या बोला क्वेश्चंस में यहाँ पे क्वेश्चंस में आपका बोला क्या कि ब्लू वाला जो है वो ब्लैक और ग्रीन से बड़ा है, मतलब ग्रीन तो यहाँ एडजस्ट हो गया, ब्राउन भी यहाँ हो गया, मतलब कंफर्म यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है कि थॉर केवल दो लोगों से बड़ा, स्टेटमेंट में लिखा गया था कि थॉर केवल दो लोगों से बड़ा है और उसके नीचे जो दो लोग हैं उनमें से किसी एक का कॉस्ट्यूम का कलर जो है आपका क्या होगा रेड होगा, ठीक है। चलिए
रेड यहाँ पे होगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बैटमैन इज यंगेस्ट ऑफ ऑल बॉर्न इन 1998, ये तो सही हो गया मेरा। दूसरा क्या लिखा है, सुपरमैन इज बॉर्न 1960 हैड ग्रीन कॉस्ट्यूम, ये भी सही हो गया मेरा, ठीक है। चलिए, हल्क इज बॉर्न 7 ईयर आफ्टर स्पाइडरमैन, मतलब स्पाइडरमैन के 7 साल बाद जो है वो क्या करता है, हल्क जन्म लेता है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ देम बीन बॉर्न 1929, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो आपका 1929 में क्या है, जन्म लेगा। ये कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई एक आपका लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन, मेरिथोर इज एल्डर देन ओनली 2 पर्सन, वन ऑफ होम हैज रेड कॉस्ट्यूम, मतलब आपका दोनों में से कहीं एक जगह आपका क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। चलिए, रेड हो सकता है, तो रेड और ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखिए, ब्लैक वाले में क्या बोला कि 1995 के पहले नहीं होगा, मतलब 1995 के बाद होगा, तो मेरे पास दो ही जगह खाली है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ब्लैक आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ब्लैक यहाँ एडजस्ट होगा तो यहाँ पे रेड एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों मेरा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे। अब मेरे पास बचा क्या कि यहाँ पे 1929 जब तक दोनों में से किसी एक के पास हम नहीं रखेंगे, मेरे पास प्रोसेस बनने वाला नहीं, तो 1929 जो है हम यहाँ किसी एक के पास रख के देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1929 का जो पॉसिबिलिटी है वो हम लोग स्पाइडरमैन पे रख के देखते हैं। स्पाइडरमैन पे जैसे ही 1929 रखेंगे तो क्या है, मेरा स्पाइडरमैन से हल्क जो है वो 7 साल छोटा है, तो 7 इसमें ऐड करेंगे तो 1929 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 391, 1936 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 1929 स्पाइडरमैन है, अभी माने हैं कि यहाँ पे रखेंगे तो उससे फिर मेरा 7 साल छोटा होगा, 1936 मेरा हल्क हो जाएगा। अब देखो हल्क के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया, हाँ लिखा तो गया है कि आयरन मैन इज 19 ईयर यंगर देन थॉर, मतलब आयरन मैन जो है आपका थॉर से 19 साल छोटा है, ठीक है, 19 साल छोटा है। हु इज 43 ईयर्स यंगर देन हल्क, मतलब आपका थॉर जो है वो हल्क से क्या है, 43 साल का छोटा है, हल्क से आपका 43 साल का छोटा कौन है आपका, यहाँ पे थॉर है, ठीक है। तो हल्क का एज कितना हो जाएगा मेरा, हल्क का एज यहाँ पे देखेंगे 1936 और 43 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 639 79 और ये आपका हो जाएगा 1979, ठीक है। 1979 जैसे ही होगा तो फिर आपका थॉर से 19 साल छोटा कौन हो जाएगा, आपका आयरन मैन हो जाएगा। तो थॉर से आपका 19 साल छोटा आपका आयरन मैन हो जाएगा, तो 19 साल छोटा तो इसमें जोड़ेंगे 9988 और ये 1988 यहाँ भी आया मेरा, 1988 ऑलरेडी यहाँ है, तो दोनों मेरा मैच हो गया। तो एक साल में दो लोग का जन्म होना ही नहीं है, तो ये मेरा क्या होगा, 1929 यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1929 को रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1929 को रखेंगे, तो 1929 को अगर यहाँ रखते हैं तो अब क्या है मेरा, 1929 यहाँ रहेगा तो स्पाइडरमैन से हल्क जो है वो आपका 7 साल का छोटा है, मतलब हल्क से स्पाइडरमैन 7 साल का क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे ही बड़ा होगा तो इसमें से क्या करेंगे, 7 साल 1929 में से 7 साल घटाएंगे, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 9 और यहाँ क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, 1900 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ 1922 होगा तो फिर आपका थॉर से, ये थॉर जो है वो हल्क से कितना छोटा है, 43 ईयर, ठीक है। तो 43 ईयर है तो 1929 प्लस 43 करेंगे, उसके बाद यहाँ 2 होगा, 4 2 6 और ये 7 9 और ये 1900 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जैसे ही 1972 होगा तो थॉर से आयरन मैन जो है वो कितना छोटा है, 19 साल का छोटा है, तो फिर से उसमें 19 ऐड करेंगे, 9 2 11 9 और यहाँ 9, 1991 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1991 आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, लिखा गया है क्या, वेन इज आयरन मैन बॉर्न, आयरन मैन कब आपका जन्म लिया है, आयरन मैन क्या है, 1991, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हु वाज द ब्लैक कलर्ड कॉस्ट्यूम, ब्लैक कलर कॉस्ट्यूम जो है वो किसका है, तो ब्लैक वाला कलर कॉस्ट्यूम आपका क्या है, बैटमैन का है, और ये 1995 के बाद जन्म ले रहा है, कन्फर्म 1995 के बाद वाले का कॉस्ट्यूम आपका ब्लैक होना चाहिए, 1998 वाला का आपका ब्लैक, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका तीसरा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन,
फाइंड द ऑड पेयर, ठीक है, ऑड पेयर हमको फाइंड करना है। लिखा गया है पहला वाला में कि स्पाइडरमैन ब्लू, तो स्पाइडरमैन ब्लू यानी स्पाइडरमैन के ठीक एक पहले ब्लू है, ठीक है। सुपरमैन ब्राउन, तो सुपरमैन के ठीक नीचे एक ब्राउन है, सॉरी स्पाइडरमैन ब्लू है, तो स्पाइडरमैन के ठीक नीचे आपका ब्लू है, सुपरमैन के ठीक आपका नीचे क्या है, ब्राउन है, थॉर के ठीक नीचे आपका रेड है कंफर्म, और बैटमैन के ठीक नीचे तो कोई है नहीं, तो बैटमैन आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है, बैटमैन और रेड ऑड हो जाएगा। और हल्क और ग्रीन देख लो, हल्क यहाँ है फिर ग्रीन यहाँ पे, मतलब एक ऊपर वाला और कलर आपका ठीक नीचे वाला एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में है कि थॉर इज बॉर्न इन, थॉर जो कब जन्म लेता है, तो आपका 1972 में, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस में क्या लिखा है यहाँ पे कि 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच वेयर पार्टिसिपेटिंग इन ए 50 किलोमीटर मैराथन एंड वेयर स्टैंडिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब आपका 8 लोग हैं वो आपका मैराथन में क्या कर रहे हैं, मैराथन में आपका भाग ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 लोग यहाँ पे, 8 लोग का पहले यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सबका फेस आपका कहाँ है, नॉर्थ की ओर है आपका फेस है, ठीक है। उसमें आपका क्या है कि सबका हाइट आपका अलग दिया गया है, और सब आपका क्या है कि डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हैं वो आपका अलग दिया गया है, हम लोग पहले सबको अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग हाइट लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या है कि H दिया गया है सबसे बड़ा है हाइट में, E आपका है, C है, B, F, D, A और G, G आपका 30 किलोमीटर 41, A आपका, D आपका 29 हो जाएगा, F आपका 35 हो जाएगा, B आपका 38 हो जाएगा, C आपका 43 हो जाएगा, E 27 और H आपका 32। तो ये हमने क्या किया कि हाइट के हिसाब से डिस्टेंस को, हाइट के हिसाब से हम लोग इसको अरेंज कर लिया, हम लोग डिस्टेंस को अरेंज करेंगे, सबसे वाला यहाँ पे सी आपका 43 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिर कौन सा हो जाएगा, सी ए हो गया, फिर आपका एफ हो जाएगा, ये सॉरी बी हो जाएगा, बी आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर आपका एफ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा आपका है। फिर आपका देखना क्या है कि यहाँ पे एच आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर आपका जी जो है आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और आपका बचा क्या डी आपका कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और आपका ई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका अरेंज हो गया डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। अब मेरा जो भी श्योर इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग लिखेंगे, और जो मेरा श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर पे एडजस्ट कर देंगे। चलिए, तो पहला वाला मेरा क्या लिख रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, फर्दर इट इज नोन दैट द टॉलेस्ट पर्सन वेयर वाज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो सबसे आपका लंबा वाला पर्सन जो है वो कहाँ, लेफ्ट आपका एंड से थर्ड बैठा हुआ, मतलब एच यहाँ कन्फर्म बैठा हुआ है, और एच आपका है 32, डिस्टेंस किलोमीटर आपका कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में आपका है कि द पर्सन हु कवर्ड द सेकेंड हाइएस्ट डिस्टेंस, द पर्सन हु कवर्ड द सेकेंड हाइएस्ट डिस्टेंस, मतलब आपका सेकेंड हाइएस्ट डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, 41 मतलब ए आपका कवर कर रहा है, ठीक है। वाज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड टॉलेस्ट पर्सन, तो थर्ड टॉलेस्ट पर्सन आपका क्या हो जाएगा सी, तो सी के कहीं ना कहीं आपका लेफ्ट में ए बैठा हुआ, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ, ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है। चलिए, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा, देयर वेयर थ्री पीपल स्टैंडिंग बिटवीन जी एंड द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब जी और थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं आपका, 3 लोग, तो शॉर्टेस्ट मतलब हाइट में चले आएंगे हम लोग, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, डी आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा, और जी को हमने इसलिए इसको लेफ्ट में बिठाया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया क्या है कि वेयर जी वाज टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर, मतलब जी जो है वो बाद वाले के ठीक पहले मतलब लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ओनली टू पीपल वेयर स्टैंडिंग बिटवीन द पर्सन हू कवर्ड फोर्थ हाईएस्ट डिस्टेंस एंड सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, मतलब केवल दो लोग हैं जिनके बीच में जो आपका फोर्थ हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, फोर्थ आपका क्या करते हैं, हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, 1 2, फोर्थ आपका हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो फिर डिस्टेंस वाले में आएगा 1 2 3 4, तो एफ, ठीक है, एफ और किसके बीच में आपका,
ऐप और किसके बीच में, यहाँ पर फोर्थ हाईएस्ट डिस्टेंस एंड सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो सेकंड टॉलेस्ट पर्सन आपका कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई और एफ यहाँ भी और ई और एफ आपका यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा मेरा, तीसरा इंफॉर्मेशन यहाँ। और क्वेश्चन पे क्या लिखा है यहाँ पे, द पर्सन ट्रेवलिंग हाईएस्ट डिस्टेंस वाज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुआ फोर्थ स्मॉलेस्ट। मतलब जो भी आपका पर्सन जो हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करता है, मतलब सी आपका हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करता है, वो क्या है कि आपका इमीडिएट लेफ्ट टू द पर्सन हुआ फोर्थ स्मॉलेस्ट, आपका फोर्थ स्मॉलेस्ट जो आपका है छोटा व्यक्ति, तो छोटा व्यक्ति 1 2 3 4 चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, एफ है। तो एफ के ठीक आपका लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, यहाँ आपका सी बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द वन हु कवर द थर्ड हाईएस्ट डिस्टेंस, है ना, द वन हु कवर द थर्ड हाईएस्ट डिस्टेंस, मतलब बी जो है आपका थर्ड हाईएस्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है, राइट हैंड से आपका सेकंड बैठा हुआ है, कंफर्म। तो आपका राइट हैंड से क्या बैठा हुआ है, सेकंड यहाँ बैठा हुआ, तो कंफर्म इसको यहाँ बिठा देंगे, इसका कितना है 38 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है, चलो देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ही एडजस्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे कि एफ यहाँ भी है, एफ आपका यहाँ भी है, ठीक है। एफ और ई के बीच में कितने लोग हो रहे हैं, दो लोग हो रहे हैं। एक छोटा सा पॉसिबिलिटी हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि अगर ई को यहाँ रखते हैं, ठीक है, अगर ई को बाद में रखेंगे तो दो लोग गैप करके यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एफ के ठीक लेफ्ट में मेरा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर यही चीज़ अगर हम उल्टा रखते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एफ रखते हैं और यहाँ पे ई रखते हैं, तो एफ के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में कभी भी सी नहीं बैठता। और यहाँ इन्फॉर्मेशन बताया क्या गया है कि एफ जो है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन यहाँ बैठा हुआ है, सी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग एफ को यहाँ, ई को यहाँ पे रखेंगे और आपका एफ को यहाँ रखेंगे, तो सी यहाँ ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग ई को या एफ को यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ पे एफ और ई नहीं होने वाला, तो फिर सी भी यहाँ नहीं होगा, कंफर्म, ठीक है। तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि सी के कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड में आपका कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। ए यहाँ भी हो सकता है, ये आपका यहाँ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जी और डी के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, और जी जब भी बैठेगा तो आपके डी के लेफ्ट साइड में ही बैठेगा, तो कंफर्म डी यहाँ होने वाला है। जैसे ही डी यहाँ होगा 1 2 3 यहाँ पे क्या बैठ जाएगा आपका जी, और जैसे ही यहाँ जी बैठेगा वैसे ही आपका फिगर क्या हो, कंप्लीट हो गया। डी का कितना डिस्टेंस है, डी का आपका 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, ई का कितना है 27 है आपका, आपका कितना है 35 है आपका, सी का कितना है ये हमको देखना है, सी का 43 है आपका, जी का कितना है 30 है आपका, ए का कितना है आपका 41 है। इस तरीके से आपका फिगर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखा गया क्वेश्चन में यहाँ पे कि थर्ड टू द राइट ऑफ ए में आपका कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ ए 1 2 3 आपका कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ, जो आपका 43 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। दूसरा क्या है, हाउ मेनी पीपल वेयर स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड शॉर्टेस्ट पर्सन, एफ और शॉर्टेस्ट पर्सन बीच में कितना पीपल आपका बैठा हुआ है। तो एफ और शॉर्टेस्ट पर्सन आपका है कौन, जी, है ना। एफ और जी के बीच में आपका कितने लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, डिवाइड द डिस्टेंस कवर बाय द पर्सन स्टैंडिंग इन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी के आपके इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा हुआ उसका वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो 32 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन क्या लिखा है, डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पीपल स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब आपका जो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है उस दोनों पीपल का डिफरेंस कितना है। तो ये आपका 27, ये आपका 41, तो 41 में से 27 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 31, मतलब 14 किलोमीटर अगर ऑप्शन में है तो सही है, नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, नान ऑफ डी, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला आपको। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका DI है, सॉरी DS है, डाटा सफिशियंसी, इसको डिलीट करते हैं। चलो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है कि हाउ मेनी पीपल, सॉरी लिखा क्या गया है कि द प्रॉब्लम बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड सेकंड स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड टू, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिखा है क्या कि सिक्स पर्सन ABCDE एंड F आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है।
मतलब आपका छह लोग बैठे हैं, आपका छह लोग बैठे हैं सब फेस नॉर्थ की ओर करके, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हम लोग को दो स्टेटमेंट के हिसाब से इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। या तो पहला वाला सेटिस्फाइड करेगा तो ओनली वन आंसर होगा, अगर दूसरा वाला सेटिस्फाइड करेगा तो ओनली टू आंसर होगा आपका, अगर दोनों मिलाकर दोनों में हाफ हाफ इंफॉर्मेशन होगा तो आपका आंसर फाइव होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आंसर आपका हो जाएगा फोर। अगर दोनों अलग अलग सेटिस्फाइड करता है, मतलब वन से भी आंसर आ रहा है आपका, टू से भी आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, मतलब आपका लेफ्ट एंड जो है, लेफ्ट एंड से आपका सेकेंड कौन बैठा हुआ है, यही हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि मोर देन टू पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ही, मतलब दो से ज्यादा लोग आपके लेफ्ट में बैठे हुए हैं, कंफर्म डी से, दो से ज्यादा लोग आपके डी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब डी जो है वो आपका इमीडिएट ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, B is sitting to the left of C, मतलब C के left में आपका B कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। Who is sitting left of A, है ना, Who is sitting आपका left of A, मतलब F के ठीक left में कौन बैठा हुआ है, आपका C बैठा हुआ है। Neither B nor F is sitting at the end of row, मतलब ना तो आपका B और ना ही आपका F जो है वो क्या है, आपका रो के एंड में बैठा होता है। यहाँ छह लोग हो गए, सबका फेस आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग देखेंगे क्या कि ना तो यहाँ पे बी और ना ही एफ आपका बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पे बी और ना ही आपका एफ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कन्फर्म है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी। पहला क्या कि यहाँ पे हम लोग बी को रखें, सी को रखें, एफ को रखें, या फिर हम लोग बी को रखें, सी को रखें, या फिर क्या करें, एफ को रखें। ठीक है, ये हम लोग रखें। अब हम लोग को क्या करना है कि डी के राइट में ए है और ए के ठीक लेफ्ट में आपका डी है, और डी के लेफ्ट में आपका मोर देन टू पीपल बैठा हुआ है, कन्फर्म। तो अगर यहाँ वाले, अगर इसको हटा दो यहाँ से, तो बी और एफ 16 पर बैठने वाला है, ये वाला फिगर लेंगे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जो कन्फर्म है कि ए यहाँ पे, डी यहाँ पे बैठने वाला, तो ए के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पे कितना मोर देन टू लोग होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए, और यहाँ भी अगर ये बैठेगा तो यहाँ डी नहीं बैठ सकता है क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में है ए के। ठीक है, तो पहला वाला फिगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे बी को रखते हैं, सी को रखते हैं, एफ को रखते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ ए को रख सकते हैं, यहाँ डी को, तो मोर देन टू पीपल आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो आंसर आपका पहले वाले से क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आंसर अभी तक वन हुआ है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। हो सकता है दूसरा वाला गलत हो तो आंसर वन हो जाएगा, अगर आपका दोनों से सेटिस्फाइड कर रहा हो तो आंसर आपका टू हो जाएगा, मतलब आपका आंसर थ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा वाला आपका स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज आर मोर देन वन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, मतलब आपका सी के लेफ्ट में एक ज्यादा बैठा है डी के राइट, कन्फर्म। पहला वाला इंफॉर्मेशन मिल गया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या बोला है यहाँ पे, नीदर सी नॉर डी सिटिंग इन द एंड ऑफ रो, मतलब ना तो आपका सी और ना ही आपका डी जो है वो आपका एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस में आपका क्या लिखा है कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, है ना, ए जो है वो आपका राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में कहीं ना कहीं ए आपका बैठा हुआ है। ठीक है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, हु इज सिटिंग क्या है, टू द राइट ऑफ बी, मतलब एफ जो है आपका बी के राइट में बैठा हुआ है, जैसे कि आपका ई बैठा हुआ, मतलब आपका ई भी राइट में बैठ सकता है, ई के ई यहाँ भी बैठ सकता है, और आपका ई क्या है, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, इसका कोई कन्फर्म नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा, बी इज नॉट, B is not sitting adjacent to D, मतलब B और D जो है आपका वो एक साथ नहीं बैठ रहा है।
ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी और ई आर नॉट मोर देन वन, मतलब आपका एक से ज़्यादा नहीं है, सी और ई के बीच में जितने लोग बैठे हैं एक से ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन वन, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको दो फिगर लेना पड़ेगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका क्या है कि आपका सी और डी स्टिल इन पे बैठने वाला है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है सी और डी का यहाँ, सी और डी का यहाँ, कन्फर्म इसलिए है। फिर आपका क्या है क्वेश्चन में, आपका क्या बोला कि आपके राइट में ए बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपका ई यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक, और आपका क्या है एफ यहाँ बैठ सकता है, ए यहाँ बैठ सकता है आपका, फिर यहाँ भी आपका बी बैठ सकता है ई, और यहाँ भी आपका क्या हो सकता है बी बैठ सकता है, मतलब कंफर्म है, किसका भी सीट कंफर्म नहीं है। और क्वेश्चन हमसे सेकंड टू द लेफ्ट एंड से पूछा है कि दूसरा मेरा कौन सा होगा, कि ई भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है बी भी हो सकता है, तो दूसरा वाला मेरा स्टेटमेंट क्या सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा पहला फर्स्ट हो जाएगा। ओके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है आपका, एक बार देखिए क्वेश्चन लिखा गया है क्या कि ए ट्रिपल ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो एक सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा गया है कि एम जो है वो एम के घर पे एक पार्टी है, वही पे अटेंड करने सब लोग जा रहे हैं, सबको इन्विटेशन दिया गया है, तो एम के घर से सबका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, वो डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे एट है, ठीक है, एट टेन अलेवन फोर्टीन 16, 19, 23 और आपका 27 दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे, एक सर्कुलर टेबल ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है यहाँ पे, एफ जो है वो प्राइम नंबर वो ट्रैवल करता है, प्राइम नंबर डिस्टेंस मतलब आपका या तो 19 या तो 23 या फिर आपका 11, मतलब आपका खुद से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 1 से डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है, आपका 11, 19 और 23 होने वाला है। फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है यहाँ पे कि नीदर जी नॉर एस ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब आपका ना तो जी और ना ही आपका एच जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ना तो आपका जी और ना ही एच आपका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये भी लिखिए। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए वाज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, है ना, ट्रैवल कितना है 19 किलोमीटर, मतलब आपका ए जो है 19 किलोमीटर ट्रैवल करेगा और जी के ठीक एकदम राइट में बैठा हुआ है। चलिए जी का फेस आपका इनसाइड और आउटसाइड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपका क्या है फेस की लिखा गया क्वेश्चन है कि डी हु ट्रैवल 11 किलोमीटर वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर वाला के ठीक राइट में बैठा हुआ है डी 11, यहाँ डी कन्फर्म मेरा यहाँ पे 11 हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात भी है कि जब यहाँ एफ जो है वो प्राइम नंबर था, यहाँ पे प्राइम नंबर जब ये था तो 23 था, एक 19 और एक 11 था, तो मेरे पास तीन ही प्राइम नंबर था, और जब दोनों एडजस्ट हो चुका है ए और डी तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एम बचा, तो आपका क्या हो जाएगा 23 प्राइम नंबर ए भी मेरा फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सी और डी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट फेस करके बैठे हैं और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है, तो आपका सी अगर यहाँ होता है तो उसके ठीक सामने डी यहाँ होगा, या फिर डी सी यहाँ तो फिर यहाँ पे डी होने वाला है, और दोनों का फेस आपका क्या डायरेक्शन आपका अपोजिट दिया गया है। फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है यहाँ पे कि एच का फेस आउटसाइड सेंटर है, एच वाज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर व्हाइल द पर्सन सीटेड इमीडिएट राइट टू द पर्सन ट्रैवलिंग एट दिस डिस्टेंस वाज आल्सो फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब एच का फेस जो है आपका वो आउट ऑफ सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर है, जबकि जो जो व्यक्ति सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो व्यक्ति सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसके जो राइट में बैठा, उसके जो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है उसका भी फेस आपका क्या है आउटसाइड की ओर है। क्वेश्चन आपका फिर लिखा गया नेक्स्ट वाला कि द पर्सन हु ट्रैवल 23 किलोमीटर वाज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु वाज ट्रैवल 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर और ये 23 किलोमीटर वाला जो है आपका इमीडिएट नेबर है, ठीक है, 23 का मतलब आप खोल रहा है यहाँ पे क्योंकि आपका 23 किलोमीटर ट्रैवल करता है। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि ई वाज फेसिंग आउटसाइड द एंड द पर्सन ट्रैवलिंग 16 किलोमीटर वाज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई आपका फेस आउटसाइड क्यों किए हुए है और उसके जो सेकंड टू द राइट में बैठा है वो आपका 16 किलोमीटर वाला बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपका फिर नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि नो थ्री एडजेसेंट पीपल वेयर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब तीन से ज्यादा लोग आपका जो है एक ही डायरेक्शन में फेस करके नहीं बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चन में है कि बी ट्रैवल मोर देन सी, बी जो है वो आपका सी से ज्यादा ट्रैवल करता है, कौन बी। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है कि ई ट्रैवल मोर देन
बी, मतलब बी जो है आपका बी से और सी से दोनों से ज्यादा ट्रेवल करता है. सी डिडंट ट्रेवल द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब सी आपका सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा. उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फेसर डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन बी और सी, मतलब बी और सी के फेस, जो बी और सी का जो फेस होगा आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका आपका फेस है. मान लीजिए बी और सी का फेस आपका अगर इनसाइड है तो आपका एफ का फेस आउटसाइड होगा, बी और सी का फेस अगर आपका आउटसाइड है तो आपका एफ का फेस क्या होगा, इनसाइड होने वाला है. चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे और क्योंकि ई मेरा श्योर शॉट है ना, तो ई का फेस आउटसाइड है और उसके सेकंड टू द राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, 16 वाला बैठा हुआ है. ठीक है, 16 वाला बैठा हुआ. अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात मेरा यहाँ पे क्या है कि आपका ए एफ ए डी एडजस्ट हो चुका है, मतलब एफ ए और सॉरी ए डी एफ आपका एडजस्ट हो चुका है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि बी और सी से ज्यादा आपका ई ट्रेवल कर रहा है, मतलब कंफर्म है कि बी और सी से ज्यादा आपका ई ट्रेवल करेगा, तो बी और सी भी यहाँ नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग होंगे, नहीं टोटल आपका कितने लोग हैं, 8 लोग. तो बचा आपका कौन, आपका ई यहाँ पे बच गया, तो ई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा. और ई जैसे ही एडजस्ट होगा तो ये 27 किलोमीटर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा. फिर क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 27 किलोमीटर वाले के ठीक दाएं आपका डी बैठा हुआ है जिसका जो डिस्टेंस आपका 11 किलोमीटर कवर कर रहा है. ठीक है, तो इसके ठीक राइट में आपका कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है और ये 11 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. और जैसे ही यहाँ पे डी बैठेगा वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. अब हमको क्या है कि हमको दो पॉसिबिलिटी लेना है, दो पॉसिबिलिटी इसलिए लेना है कि डी का फेस आउटसाइड इनसाइड दोनों हो सकता है, सी का फेस आउटसाइड इनसाइड दोनों हो सकता है. ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो पॉसिबिलिटी लेंगे. यहाँ D का फेस इनसाइड तो C का फेस आउटसाइड, यहाँ E लेते हैं आउटसाइड 27, D 11, ये 16 हो जाएगा. ठीक है, इसका आउटसाइड लेंगे तो C का क्या करेंगे, इनसाइड लेंगे. चलो ये हो गया. अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में कि B was travel more than C and was seated second to the right of D, मतलब B जो है वो second to the right of क्या D बैठ रहा है, तो यहाँ D का face inside होगा तो B यहाँ बैठ जाएगा confirm. ठीक है, अगर D का face outside होगा तो B यहाँ confirm बैठ जाएगा. अब एक और बात last में क्या बोला था line में कि F जो है F का face जो है वो B और C के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब B और C का face जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा confirm. तो यहाँ क्या करेंगे, C का face clear है तो B का face भी outside होगा, C का face clear है तो B का face भी inside होगा. ठीक है, अब हम लोग देखना क्या है कि दो का फेस आउटसाइड है तो तीसरा का फेस अपोजिट होने वाला है. ठीक है, क्योंकि तीन आपका एडजेसेंट एक ही फेस जैसा नहीं बैठ सकता है, तो दो फेस आउटसाइड तो ये का आपका क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा. ये भी दो आपका फेस इनसाइड तो ये वाला फेस आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा. ये भी दो आपका फेस आउटसाइड है तो ये आपका फेस इनसाइड हो जाएगा, बाकी बात बचा आपका ये. चलिए अब क्या है क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एच का फेस आपका क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए. एच का फेस आउटसाइड होना चाहिए और यहाँ देखिए फेस दोनों का आउटसाइड है तो ये फेस क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एच का फेस क्या होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए. तो एच का फेस आउटसाइड, या तो एच यहाँ बैठेगा या तो आपका एच यहाँ बैठने वाला है. ठीक है, इतना तो कन्फर्म है, एच यहाँ नहीं तो एच यहाँ बैठने वाला है. ठीक है, जब एच यहाँ बैठेगा, जब H आपका यहाँ बैठ जाएगा तो G जो है, A जो है वो A के, A जो है वो G के ठीक इमीडिएट राइट में बैठा हुआ और 19 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है. तो इस फिगर में मेरे हिसाब से कहीं भी आपका G और A नहीं बैठ सकता. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H को लेंगे. ठीक है, और जैसे ही H को लेंगे H का फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो G यहाँ या तो G यहाँ होने वाला है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले फिगर में आएंगे तो यहाँ वाले फिगर में आएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि या तो आपका एफ यहाँ हो सकता है फेस इसका इनसाइड, है ना, क्योंकि आपका बी और सी का फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड, तो एफ का फेस इनसाइड हो जाएगा. और एफ आपका एक आपका यहाँ हो सकता है फेस इसका
इनसाइड कर, ठीक है। एफ आपका 23 किलोमीटर, जैसे ही 23 किलोमीटर है तो या तो आपका 10 यहाँ होने वाला है या तो आपका 10 यहाँ होने वाला है। बी के पास 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी अगर 10 हो जाएगा तो सी आपका बी से छोटा है तो सी कभी भी 8 पे एडजस्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और ऐसे भी नहीं होने वाला है तो कन्फर्म बी आपका 10 होने वाला नहीं है, बी आपका 10 नहीं होगा। तो सी आपका 10 यहाँ पे कन्फर्म, यहाँ अगर यह बैठेगा तो सी यहाँ पे 10 कन्फर्म और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या है कि यहाँ पे हम लोग अगर एफ लेते हैं तो ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग एफ लेंगे तो फिर एच बैठना है मेरे को, और जब एच जब यहाँ बैठ जाएगा या फिर एच जब यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एच तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि इसका फेस इनसाइड है, ठीक है। तो एच इसी दोनों में से कोई एक जगह होगा, इसी दोनों में से कोई अगर एक जगह होगा तो फिर जी और ए का प्लेस क्या होगा, कन्फर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एफ को फिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो एक हिसाब से मेरा यहाँ पे 10 और 23 वाला भी सेटिस्फाइड मेरा हो रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 27 और यहाँ पे डी 11, ये भी मेरा हो चुका है, ठीक है। जी और ए वाला यहाँ पे पहले हम लोग कन्फर्म करते हैं, जी और ए यहाँ पे कन्फर्म करेंगे तो ये कन्फर्म है कि यहाँ एच नहीं होगा, यहाँ अगर एच होता है तो आपका जी और ए फिर से नहीं बैठ पाएगा, तो हम लोग एच को क्या करेंगे यहाँ पे कन्फर्म करेंगे और इसका फेस क्या करेंगे आउटसाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जी और एच अगर यहाँ पे जी को रखेंगे तो जी के ठीक राइट साइड में आपका ए बैठा हुआ, ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और जैसे ही आपका 19 होगा तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे तो 10 होने वाला है नहीं क्योंकि बी आपका 10 है नहीं, तो बी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो बन चुका, लेकिन स्टेटमेंट में एक और बात मेरा क्या बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था क्या कि एच का फेस आउटसाइड है जबकि जो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके ठीक राइट साइड में जो बैठा हुआ है उसका भी फेस क्या है आउटसाइड है। तो सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये यहाँ पे है ना, सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करता है और इसके ठीक राइट साइड में बैठा हुआ इसका भी फेस आपका क्या है आउटसाइड है। एक और कुछ स्टेटमेंट होगा, डी ट्रेवल 11 किलोमीटर और जी के ठीक इमीडिएट राइट में बैठ रहा है ना, हाँ। उसके बाद मेरे पास एक और है कि यहाँ जैसे ही B 8 होगा और C 10 होगा तो B से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, C B से क्या कर रहा है ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, उनको कम चाहिए ना क्योंकि C जो है वो B से कम ट्रेवल कर रहा है, ये तो ज्यादा हो गया, ये फिगर ऐसे ही गलत हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नहीं लिखना है और यहाँ भी नहीं लिखना है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जी रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे ए, ए आपका 19 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जैसे ही 8 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आप देखो क्या है कि बी जो है वो सी से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ठीक 8 जो है वो सबसे एटलीस्ट कम आपका सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसके ठीक राइट साइड में बैठने वाला व्यक्ति का फेस क्या है आउटसाइड है। अगर हम लोग जी को यहाँ रखते हैं तो इसके ठीक राइट साइड में बैठने वाला का फेस क्या हो जाता आपका इनसाइड हो जाता, तो मेरा ये गलत हो जाता, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसलिए हम लोग जी को यहाँ पे प्लेस किए तो ये वाला फिगर आपका सही हो गया। अब क्या है, इस वाले फिगर में हमको देखना क्या है, यहाँ पे अगर एच यहाँ है बी यहाँ है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जी के ठीक राइट में आपका एक ए आपका बैठा हुआ है, ठीक है, जी के ठीक राइट में आपका ए बैठा हुआ है, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका एफ तो कहीं बैठ नहीं सकता है, तो एफ को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, एफ को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 23 और 10 वाला इमीडिएट नेबर है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जैसे ही ये होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जी और ए का मेरा डिस्टेंस यहाँ पे आपका इमीडिएट नेबर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये आपका यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ऐसे ये वाला फिगर क्या गलत हो जाएगा, आपका ये वाला फिगर टोटली क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे कि हुआ सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एच, थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा, 1 2 3 आपका कौन बैठा हुआ है सी, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बी एंड पर्सन सीटेड फोर टू द लेफ्ट ऑफ हिम,
डिफरेंस पूछ रहा है दोनों के डिस्टेंस का भी और उसके फोटो जो लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट, 1, 2, 3, 4 19 यहाँ है, ए का आपका 19 है, बी का 14, दोनों का डिफरेंस दिखा रहे हैं तो 5 होगा, आंसर क्या है आपका 5, डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हु ट्रैवल 14 किलोमीटर, लिखा है कि डी का पोजीशन क्या है जो आपका 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 14 किलोमीटर ये आपका ट्रैवल कौन करता है, बी, और डी यहाँ है तो सेकंड टू द राइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड टू द राइट। थर्ड वाले में क्या है, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग पेयर आर सीटेड एडजेसेंट, है ना, तो आपका एडजेसेंट कौन कौन बैठा हुआ है, ए और एच पहला वाला ऑप्शन में सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेगा, इस क्वेश्चंस में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लेकर हम लोग थोड़े पॉसिबिलिटी में सबको एडजस्ट कर लिए हैं, तो एक सिंपल रूल है कि ये हम आपको कितना भी बता दे घोल के नहीं बुला सकते हैं, तो आप एक काम करो, इसका एक सबसे मस्त ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक है, पता है क्या, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, और कम से कम आप लोग क्या करो, एक दिन में 2 से 3 पजल सॉल्व करो, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार खुद से जरूर बनाकर ट्राई करना, और जब ना बने ये सॉल्यूशन देखना, अगर उससे भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार पोस्ट अपना जरूर शेयर करना, थैंक यू।